हाय गाइस, प्रेस किचन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मीठे चावल की रेसिपी, जिसे बहुत जगह जर्दा भी कहते हैं। ये चावल बनाना बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है और खाने में भी उतने ही स्वादिष्ट हैं। तो चलिए आज हम बनाते हैं जर्दा मीठे चावल की रेसिपी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पानी को उबाल लेंगे। तो पानी उबालने के लिए मैंने इसमें एक दालचीनी का टुकड़ा हम डालेंगे और एक तेज़पत्ता डालेंगे और इसमें उबाल आने तक हम इसे पका लेंगे। तो ये देखिए पानी में उबाल आ गया है। तो इस टाइम पे मैं इसमें 3 से 4 लौंग डाल रही हूँ। लौंग डालने के बाद पानी जब अच्छे से उबलने लगे तब हम उसमें 1/2 चम्मच के करीब नमक डाल रहे हैं और यहाँ गैस की फ्लेम हम धीमी करेंगे। तो मैंने चावल को धुल कर रखा है, मैंने इसे पहले से चावल को धुल कर नहीं रखा था, चावल को मैंने अभी ही धुला है। बहुत से लोग इसे पहले से भी धुल कर रख देते हैं, लेकिन मैंने इसे अभी ही धुला है। तो हम अपने सारे चावल इसमें डाल देंगे। चावल आप तभी डालें जब पानी में अच्छी उबाल आ जाए, तभी आप चावल डालें और उसे लगातार चलाते हुए पकाएं। जब तक हमारे चावल अच्छी तरीके से पक ना जाए, उसमें सिर्फ 10% के करीब हल्का सा कच्चापन हो, बाकी पूरा पका हुआ। तो ये देखिए मेरे चावल पक चुके हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये थोड़ा सा हल्का सा कच्चापन है, ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा। तो अब ये चावल को हम छान कर निकाल लेंगे। तो हमें इतना ही इसे पकाना था। तो मैं ये चावल को छान कर निकाल लेती हूँ। तो गाइस, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इस तरह से मैंने चावल को छान लिया है और थोड़ा सा हम चावल को अच्छी तरह से फैला लेंगे, ताकि जो इसमें एक्स्ट्रा भाप है वो निकल जाए। अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में 2 चम्मच के करीब मैं घी ले रही हूँ। तो घी हमारे अच्छे तरीके से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। तो घी अच्छे से गर्म हो चुका है। तो यहाँ पर मैं ये नारियल ले रही हूँ, जिसे मैंने पतले पतले स्लाइड में काट लिया है। थोड़ा सा नारियल को हम इसमें रोस्ट करेंगे। उसके बाद हम इसमें अपने काजू बादाम डालेंगे। तो मैंने यहाँ बादाम को छोटे छोटे टुकड़ों में किया है और काजू को 2 भाग में मैंने स्लाइस किए हैं। काजू डालने के बाद हम इसमें किशमिश डालेंगे और कुछ चिरौंजी के दाने डालेंगे और सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से रोस्ट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे अच्छे से ये रोस्ट हो चुके हैं। तो इस टाइम पे जो हमने चावल पका के रखे थे, उस चावल को अब हम इसमें डाल देंगे। तो ये चावल अब हम इसमें डाल देंगे और अच्छी तरीके से हम इस चावल को भी पका लेंगे, क्योंकि जो 10% कच्चा है चावल, तो इस टाइम पे ही वो पकेगा। इसलिए चावल को आप पूरी तरह से ना पकाएं, तो इसे चलाते हुए पकाएं। तो ये देखिए चावल हमारे अच्छी तरीके से हो गए हैं। तो इस टाइम पे मैं इसमें इलायची डाल रही हूँ, इलायची पाउडर। मैंने यहाँ दरदरा इलायची का पाउडर डाला है और थोड़ा सा अब हम इसमें शक्कर डालेंगे। तो बहुत से लोग इसे चाशनी के साथ भी बनाते हैं, लेकिन मैं चाशनी के साथ नहीं बना रही, मैं इसमें डायरेक्ट ही शक्कर डाल रही हूँ। तो मीठा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं कम ज़्यादा। मैंने यहाँ 2 बड़े टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें चीनी डाला है। तो इसे भी हम, जब तक यह जो हमारी चीनी है मेल्ट होगी तो जो और पानी छोड़ेगा, तो जब तक चीनी अच्छी तरीके से सूख ना जाए तो हम उसे पकाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पास हमारी चीनी अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुकी है। तो यहाँ पास मैं ये ऑरेंज फूड कलर ले रही हूँ, क्योंकि जो जर्दा होता है वो थोड़ा कलरफुल होता है, आप देखे होंगे ऑरेंज कलर, येलो कलर में। तो यहाँ मैं ऑरेंज फूड कलर ले रही हूँ और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये रहा हमारा जर्दा बनकर तैयार हो चुका है। ये दिखने में अभी जितना अच्छा लग रहा है, उतना ही ये टेस्टी खाने में भी लगता है। तो चलिए इसकी हम प्लेटिंग करते हैं। तो ये रही हमारी जर्दा की रेसिपी, मीठे चावल रेसिपी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरे वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।